पहनकर जा रहा है। वो आज से इस देश की परंपरा नहीं, आजादी के बाद बीजेपी की सरकार थी तब भी रोक नहीं थी, आज भी रोक नहीं। तो बीजेपी वालों को मना थोड़ा ना कि देश में सब जगह एग्जाम हो रहे हैं, मोदी जी ने रोक लगाई क्या? लोकसभा में कोई बिल पास हुआ? तो मोदी जी ने जब रोक नहीं लगाई तो हम क्यों रोक लगाएंगे? हम किसी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन फारसी कोई भी कपड़े पहनकर जाता है, कपड़ों का झगड़ा हम पैदा नहीं करते, चेकिंग होती है। आज एक दुख जरूर है जो मैं खुल के कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। एग्जाम का टाइम 10 बजे था जो आपको उठाना चाहिए, आपको समझा रहा हूँ। आज जो पाप हुआ बड़ा वो ये हुआ है कि पुलिस को कोई हक नहीं था। इतनी बरसात के बीच में बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, और आप उनको 9:20 पे रोक दिया। क्या नकल रोक रहे हो? 2 मिनट लगती है चेक करके। मैंने एग्जाम नहीं दिए क्या? आपको क्या राइट है ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मैं करूंगा मुख्यमंत्री। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों को 10 बजे पहले रोक देते हैं। क्या राइट है उनको रोकने का? बच्चा जब 9:20 पे पहुंच गया, आप 9 बजे नहीं आए, क्यों 1 घंटे पहले क्यों आएगा? 10 बजने तक भी आता है कोई, 10:15 तक भी आता है। कौन सा इस देश का एक्ट है? मुझे नहीं समझा। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूं, मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं, इस मामले में चुप नहीं रहूंगा। मैं बात करूंगा कैबिनेट में जिन पुलिस वालों ने गलत, मेरी कलेक्टर से बात की, कलेक्टर कह रहा सर मैंने आगे मैसेज कर दिया। क्या मैसेज कर दिया? मैंने कुलदीप राका जी से भी बात की, सेक्रेटरी सीएम, उन्होंने भी माना। अरे जब रास्तों में पानी भर गया 9 बजे कैसे पहुंचेगा? बाहर से आकर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप फ्री में उनको यहाँ लेकर आ रहे हो। आपने तो मुख्यमंत्री के सपनों पर पानी फेर दिया। पाप है ये, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कह सकता हूँ जब बरसात रुकती है तो 1-1.5 घंटे में पानी क्लियर होगा, और इतना मैं कह सकता हूँ आप 1.5-2 घंटे बाद जयपुर का दौरा करें, पानी जो राजा, आज हमने नहीं किया ये जयपुर के राजा भी बधाई का पात्र है। वॉल सिटी में जब पानी राजा ने बसाया था जयपुर, वो पानी भी निकालने की उसने व्यवस्था की, पानी निकल जाता है 1.5 घंटे में। जो मैं जब पढ़ता था तब पानी के बीच में से निकल के देखता था, हमें मजा आता था। इसलिए जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम सीख रहा है, यदि कहीं गड़बड़ है तो उसको चेक कर लेंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन आज कुछ गड़बड़ हुई है तो ये एक हुई है, किसी भी एग्जामिनेशन के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आप बच्चे को 1 घंटे पहले बुला सकते हैं, लेकिन 10 बजे पहले आप उसको 10 बजे तक एग्जाम सेंटर में घुसने से नहीं रोक सकते। वो अधिकारी महान कौन है उनसे जवाब लिया जाएगा जिन्होंने 9:20 पर रोक दिया, 9 बजे बाद घुसने नहीं दिया। तो 10 बजे तो एग्जाम का टाइम चालू हुआ है, तो 10 बजे बाद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का रूल्स 1.5 घंटे बाद तक अलाउड करते हैं। यदि बच्चे का टाइम कम हो रहा है तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जब बरसात आ गई इतनी दिक्कत हो गई, आप है कौन रोकने वाले? मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने राका साहब से बात की, बच्चों के फोन, मेरा फोन खुला है, मेरे पास आ रहे हैं। मैं आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, कान बंद करके नहीं बैठ सकता, बच्चों का फोन आ रहा है, रो रही है बच्चियां, मैं टीवी पे देख रहा हूं, आप उनको अलाउड नहीं कर रहे। ऐसे कौन से महान अधिकारी, किस अधिकारी का आदेश था? पहले शिक्षा मंत्री जी से बात करें, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे साहब। ऐसा कौन अधिकारी है जिसको ये नहीं दिख रहा बरसात का मौसम है, लेट हो रहे हैं? अरे नकल रोकना अपनी ड्यूटी है, लेकिन 10 बजे घुस रहा है तो उसको 1/2 घंटा लेट कर दो, आप चेक कर लो अंदर से, आप उसको एग्जाम से थोड़ा रोक दोगे। आपको क्या राइट है? कौन से एग्जामिनेशन का रूल से मुझे बताया अधिकारी? ऐसे अधिकारियों से जवाब लेंगे, कार्रवाई। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कार्रवाई करना, मेरे हाथ में तो अब तक मैं कर चुका होता, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।